बनारस वास्तव में अपने आप में पूरी दुनिया में एक स्थान रखता है धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए। और आजकल पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि बनारस के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आज हम बनारस जिले के अंतर्गत एक विधानसभा है पिंडरा विधानसभा है, और यहाँ से अपना दल यश, जो कि पहले अपना दल था, अपना दल यश की नेतृत्व कर रही हैं अनुप्रिया जी, उन्हीं के पार्टी से हैं होशिला प्रसाद पटेल जी, जो वर्तमान में तहसीलवार चुनाव का भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में सहयोग सहभागिता जो है कर रहे हैं, और अपना दल यश से जनता का सेवा कर रहे हैं। आते हैं एक सच्चाई और अच्छाई हम इनके माध्यम से पूरे पिंडरा विधानसभा को और पूरे प्रदेश को दिखाते हैं, अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाते हैं और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो सर थोड़ा आप खड़े हो जाइए। आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले सर बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए? सर राजनीति में मैं आया हूँ 1987 से। सर किस पार्टी में थे? हम उस समय थे बीजेपी में। डॉक्टर पुनवासी वर्मा जी हमारे राजनीतिक गुरु थे। हम लोग जो है मंदिर मस्जिद का मसला लेकर के 89 में 11 दिन मंदिर बनाने जा रहे थे, जेल में थे, केंद्रीय कारागार में। उस समय डॉक्टर साहब बसपा के महासचिव थे, कुर्मी महासभा का कार्यक्रम कर रहे थे, हम लोग विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, विद्यापीठ से राजनीति कर रहे थे। आए पटेल धर्मशाला तेलियाबाग बनारस में, वहाँ से एक नारा उन्होंने दिया था, उप जाति छोड़ो पटेल जोड़ो। उसी समय से हम लोग जुड़े हैं कुर्मी महासभा से। इसके बाद हम लोगों ने प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम कुर्मी महासभा का बड़ागांव ब्लॉक के सामने करवाए थे। उस समय प्रदेश का नंबर एक कार्यक्रम था उस समय रामदेव। सर आपकी पार्टी जो है वास्तव में इस समय पूरे देश में तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश में एक स्थान रख रही है और इसका नेतृत्व अनुप्रिया जी कर रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोने लाल की बनाई हुई पार्टी दो भाग में कैसे हो गई? सर देखिए, हर जगह कुछ न कुछ लोग इधर उधर करने वाले लोग होते हैं। इस समय जब डॉक्टर साहब मरे थे, मंत्री जी का अनुप्रिया जी का शादी हुए मात्र जो है 20 दिन हुआ था। उस समय पल्लवी जी की शादी नहीं हुई थी। यह हुआ कि पल्लवी जी राजनीति करें, लेकिन पल्लवी जी ने साफ कह दिया था कि मैं राजनीति नहीं, मैं बिजनेस ही संभालूंगा, यह कार्य अनुप्रिया जी करेंगी। अनुप्रिया जी रात दिन मेहनत करके पार्टी को स्टैंड किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान निर्वर्तमान अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य आशीष जी को, जिन्होंने आशीष जी पार्टी में एक कद्दावर स्थान जो है रखते हैं जी। तो क्या ये भी जैसे मतलब जैसे इनका क्या सहयोग है पार्टी में? इनका सहयोग है जब से ही पार्टी में आए हैं, पार्टी दिन दूना रात चौगना विकास कर रही है। अगर इंजीनियर आशीष जैसे व्यक्ति डॉक्टर सोनेलाल पटेल को 1996 के बाद मिल गए होते तो 2002 का वो विधानसभा कोलसला के पहले विधायक हो गए होते, 2007 में सुराम से चुनाव नहीं हारते। डॉक्टर आपके कहने का तात्पर्य है कि अनुप्रिया जी को इतना ऊपर लाने में क्या आशीष जी कहाँ थे? हाँ एकदम, आशीष जी का किसी चीज को निखारने, सवारने, सजाने का कार्य। लेकिन सर वो हाईलाइट में नहीं है, मतलब वो कहीं हाईलाइट में जो नहीं रहते, इसका क्या मतलब है? वो अपने आप को बचाते हैं कि हाईलाइट में मैं नहीं रहूं, हाईलाइट में अनुप्रिया जी ही रहे। सर अनुप्रिया जी इसके पहले मिनिस्टर थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में मंत्री नहीं बनाई गई, भारत जो है सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है, तो इसका क्या कारण है सर? अब देखिए, बस केवल अपना दल के समर्थन के नाते पूरे देश और प्रदेश में पटेलों ने झूम कर इनको वोट दिया था एक आशा और उम्मीद के साथ। सर क्या मतलब क्या आपको लगता है कि पटेल समाज अपना दल यश के ही साथ है? देखिए, हर जात बिरादरी के लोग 2-4%, 10%, 20% इधर उधर लगते हैं। अगर 60%, 65% लोग, 70% अगर एक साथ हैं तो उसको 100% मान लिया जाता है। इस समय हमारे नेता के साथ पूरा समाज प्रदेश का जुड़ा हुआ है।
सर अगला 2022 के चुनाव में क्या उम्मीद है, क्या भाजपा के साथ आप लोग जो है लड़ेंगे कि कुछ अलग व्यवस्था है? देखिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कार्य में है, शीर्ष नेतृत्व जहां रहेगा हम लोग उसी जगह रहेंगे। वर्तमान समय में हमारी नेता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे एक नेता के तौर पर पूरे देशवासियों को, क्या मतलब एक अपना दल यस के नेता के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं देना चाहूंगा कि अगली 2022 की मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जी बने, अब हमारी बारी है। चार बार बसपा, चार बार सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार बना लिया है। इस समय हमारे नेता की तरह पूरे देश में कोई नेता नहीं है, न क्वालिटी है किसी के पास, न वो क्वालिटी क्वालिफिटिटी है। नेता हमारी संसद में हर व्यक्तियों के विषय में जो आवाज़ उठा रही है, कोई एससी बीसी माइनॉरिटी का सांसद नहीं उठा रहा है समाज के हित के लिए। अनुप्रिया जी चीफ मिनिस्टर बने 2022 में, ऐसा कहना है होसला प्रसाद पटेल जी का जो पिंडरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि अनुप्रिया जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और अनुप्रिया जी ने जो काम किया, उनके साथ जो आशीष जी का सहयोग रहा, वह वास्तव में बहुत बड़ा काम है, प्रदेश का काम है, देश का काम है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।